तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम चंद्रशेखर जी के साथ डिस्कस कर रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे। और ये वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बात की थी कि आखिर किस तरीके से हम वीवी यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इसके थ्योरिकल पार्ट के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। रिकॉर्डिंग माइक्रो, ठीक है, डेवलपर टाइप में जब जाते हैं तो आप एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग माइक्रो। रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या होता है कि आपका जो माउस इवेंट है उसको कन्वर्ट कर देता है आपके कोड में। तो वी जैसे मैंने कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि वीवीए और माइक्रोज दोनों सेम है। माइक्रोज रिकॉर्ड माइक्रोज डिफरेंट पार्ट है, एक तरह से इंटरप्रेटर है या एक ट्रांसलेटर है जो माउस इवेंट को वीवीए कोड में कन्वर्ट करता है, लेकिन यूज वो भी वीवीए कोड ही करता है। जैसे एग्जांपल हम रिकॉर्ड पे आते हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम रोल मार्क्स, ठीक है, और इसको हमने स्टॉप कर दिया। अब विजुअल बेसिक पे जाते हैं, यहाँ देखिए ये आपका कोड जनरेट है। अब अगर हम कोड करेंगे तो ये ऐसे ही करेंगे, जैसे कि सब mm ब्रैकेट ओपन क्लोज रेंज a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। तो प्रोग्रामिंग हम वही यूज कर रहे हैं, आपका b1 या आपका c1। अब यहां पे आपको कोड देख के एक चीज माइंड में आ रहा होगा, ये ए माइक्रोज ने बनाया है, वीवी रिकॉर्डिंग माइक्रो ने रिकॉर्ड करके आपको दिया है, ये हमने कोड किया है। दोनों वीवी लैंग्वेज भी है, रिकॉर्डिंग माइक्रो ने भी वीवी लैंग्वेज यूज किया है और मैंने भी वीवी लैंग्वेज यूज किया है, और दोनों का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि माइक्रोज हमने रन किया आ गया, और हम एमएम को भी रन करेंगे तो एमएम भी सेम काम करेगा। तो दोनों प्रोग्रामिंग में डिफरेंट क्यों है? देखिए मैंने जस्ट यूज किया है अपना वीवीए लैंग्वेज। अभी मान लीजिए ना कि आपको लीव लेना है, बॉस से लीव लेना है, तो अगर आपको मौखिक रूप से लेना है, ऐसे जस्ट वर्बली बोल देना है वर्बली, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे बॉस कल मैं नहीं आ रहा हूं, कल छुट्टी, कुछ कुछ काम है या कुछ हो गया है, कुछ तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। आप जाके थोड़े बोलेंगे सेवा में श्रीमान ब्रांच मैनेजर महोदय महाशय आपसे नम्र निवेदन है क्या सर? ऐसा तो नहीं होता, डायरेक्टली हम बोल देते हैं कि जो रीजन रहता है जी पॉइंट टू हाँ, पॉइंट बात करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बॉस ने रिप्लाई किया कि ठीक है एक एप्लीकेशन दे दो, तो एप्लीकेशन में इतना थोड़ी लिख के देंगे कि बॉस कल मैं नहीं आ रहा हूं। ऐसा तो नहीं एप्लीकेशन रहता। लिखेंगे तो फिर पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, हिंदी या इंग्लिश जिसमें लिखते हैं या मराठी जी क्या? सर, राइट सर, राइट सर। तो सेम उसी तरह से जब रिकॉर्डिंग माइक्रो अपना काम रिकॉर्डिंग करता है तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उतना ही कोड लिखते हैं जितना जरूरी है, बात समझे? तो आगे जी जैसे यहां देखिए क्या है, a1.select और फिर एक्टिव सेल पे हमें नेम टाइप किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है a1 पे नेम टाइप कर दिया, मतलब कि बीवी क्या कर रहा है कि पहले कर्सर रख रहा है फिर नेम टाइप कर रहा है। मैंने बिना कर्सर रखे ही नेम टाइप कर दिया, हमें कर्सर रखना जरूरी थोड़ी है, हमारा मेन पर्पस तो नेम टाइप करना है। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग थोड़ी छोटी इसलिए होती है क्योंकि हमें जो जरूरत है उसी चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा कि जैसे मुझे बोल्ड करना है इसको C1 को, तो हम यहां लिखेंगे रेंज C1 डॉट बोल्ड डॉट फॉन्ट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब इसी चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं,
ये अलाइनमेंट देख लीजिए, मैं मर्ज करना है, हमने सिर्फ मर्ज अप्लाई किया और इसने कितना बड़ा कोड डबल कर लिया। और जब हम कोडिंग करेंगे तो सिर्फ ये लिखेंगे सिलेक्शन डॉट मर्ज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो ये समझ में आ गया कि वीवीए प्रोग्रामिंग करता क्या है, रिकॉर्डिंग मैथड। जी सर जी। अब हम बात करते हैं इसका बेनिफिट यूज। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ के आता है विश्वास जी, कि जब ऑफिशियल लैंग्वेज ही सही, जब मेरे जगह पे मेरा रिकॉर्डिंग माइक्रो खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर दे रहा है, तो फिर हम जो है वीवी सीखे क्यों? क्या बिल्कुल चाहिए है। तो यहां पे एक सवाल यहां पे आता है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो आपका जो करता है वो सिर्फ जो है बहुत ही कम 5% से कम यूज करता है, इसमें डायनेमिक नहीं हो सकता है, इसमें आपका रिपीटेड नहीं हो सकता है, लूपिंग नहीं हो सकती है, इसमें आपका कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकता है, कनेक्टिविटी अप्लाई नहीं हो सकता है, समझे? तो क्वेश्चन आप बेनिफिट क्या, बेनिफिट अगर आप लर्निंग पीरियड में हैं, जैसे अभी सीख रहे हैं, तो ये आपको एक डिक्शनरी तक का काम करेगा। जैसे कि आपने प्रोग्राम बनाया, वहां पे आपको कॉपी करने का कोड पता नहीं है कि कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू का कोड क्या होता है। आप रिकॉर्ड करोगे मैं और फिर कॉपी करोगे और फिर यहां पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू कर दिया, माइक्रो को स्टॉप करो और फिर आप जाके यहां कोड देख लो कि यहां पे कॉपी और यहां पे पेस्ट स्पेशल पेस्ट एक्सेल एज ए वैल्यू, राइट? पता चल गया आपको पेस्ट स्पेशल का? तो इसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल की जा सकती है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो आपने सही बताया कि हमने डिक्शनरी के तरह इसको यूज कर लिया, लेकिन जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, वीवी को जान जाऊंगा, तब तो इसका यूज नहीं रहेगा। देखिए इसका यूज मैं भी करता हूं, मैं कहां करता हूं, कोडिंग करने से बचने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको हम देते हैं, अभी एक डेटा मैं ले लेता हूं, क्या है कि मेरे पास डेटा आता है अलग अलग टीम का, ठीक है? अब मान लीजिए कि मुझे कविता ने फोन किया, बोला कि मेरा डेटा दे दो, तो मुझे क्या करना होता है, कविता का डेटा को फिल्टर करके कॉपी करके नई फाइल में पेस्ट करके बना के फिर मेल करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि मैं माइक्रो रन करूं, नाम डालूं और ऑटोमेटिकली उसका फाइल में डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो वीवीए प्रोग्रामिंग के सबसे पहला रूल, आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, समझे? तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर नेम को एक नई फाइल में। तो चलिए इसको हम एक वीवीए रिकॉर्डिंग माइक्रोसिस को सॉल्व करते हैं। हमने यहां पर कर्सर रखा, डेवलपर में गए, रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो करते समय ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा माउस क्लिकिंग वगैरह स्क्रॉलिंग वगैरह ना करें। इस पर क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने इंदर को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए माउस से डेटा को सिलेक्ट ना करें, क्योंकि माउस से डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उसी का कोड जनरेट हो जाएगा, डायनेमिक नहीं होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो इस्तेमाल करें। मैंने अब कॉपी करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी फिल्टर कॉपी करते हैं वीवी के थ्रू, तो यहाँ स्पेशल इसमें आता है विजुअल सेल्स ओनली, ताकि पीछे का डेटा आपका कॉपी ना हो सके। देन कॉपी,
अब आपके पास ऑलरेडी सीट अगर होगा फिर भी आप एक नई सीट इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा और नई सीट हो आपके पास, सीट खाली ब्लैंक सीट होगा तो नहीं, इसलिए इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने का कोड जनरेट हो जाएगा। हमने पेस्ट कर दिया, एस्केप मार के हमने हटा दिया। अब मैंने इसका नाम रख दिया इंदर, और फिर इसको हमने राइट क्लिक करके मैंने इसको मूव एंड कॉपी, और यहाँ पे हमने बुक वन करके ओके कर दिया। तो इफ सीट जो है एक नई फाइल में निकल गई, और फिर इसको हम सेव कर देते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में इंदर के नाम से, extension .xlsx, और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम फिल्टर हटा देते हैं। अब यहां से माइक्रो को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के लिए हम यहां पे इसके बाद कहां जाएंगे, प्रोग्रामिंग में, कि जो प्रोग्राम जनरेट हुआ है, ये रहा माइक्रोफोन। अब ये प्रोग्राम जनरेट तो हो गया लेकिन रन नहीं करेगा, रन करते समय काफी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एरर आएगा। अब चलिए इस एरर को दूर करते हैं। देखिए दो बार फिल्टर लगा, एक यहाँ भी फिल्टर यहाँ भी फिल्टर, इस फिल्टर का कोई काम नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया। मैंने बोला था डायनमिक रिकॉर्डिंग आपका डायनमिक नहीं करता है। देखिए इसने रेंज ले लिया हुआ है A1 से लेके 394, कल के डेट में डेटा बढ़ा घटा तो, लेकिन जब हम फिल्टर लगाए थे तो हम एक सेल पे क्लिक करके लगाए थे, हमने डेटा सिलेक्ट नहीं किया था फिल्टर लगाने के लिए, तो क्यों ना हम यहां इसको डिलीट कर दें। उसके बाद यहां देखिए सिलेक्शन डॉट लेफ्ट किया, राइट किया, डेटा सिलेक्ट किया, विजुअल सेल्स किया यहां पे, इसका कॉपी किया, एक नया शीट को ऐड किया, उस शीट में पेस्ट किया, और स्केप मारा, E2 सिलेक्ट किया, जरूरी नहीं सिलेक्ट करना। अब सीट टू डॉट सिलेक्ट, वो हमेशा जब नई सीट ऐड करेंगे तो सीट टू थोड़ी होगा यहां, लेकिन देखिए एक्टिव सीट है क्योंकि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, तो यहां पे हमने एक्टिव सीट ले लिया। हटा दीजिए इन द डॉट सिलेक्ट, इसको भी हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इन द डॉट सिलेक्ट इसको भी हटा दीजिए, एक्टिव सीट डॉट मूव, क्योंकि अभी जो सीट एक्टिव है वो इंदर ही एक्टिव है ना। फाइल नेम सेव एज, फाइल नेम सही है, एक्टिव विंडो क्लोज, A1 डॉट सिलेक्ट ऑटो फिल्टर, चाहिए A1 डॉट सिलेक्ट। यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई मुझे, यहाँ पे सीट्स डेटा की जरूरी थोड़ी है कि डेटा शीट के अलावा और भी हो सकता है ना, इसलिए एक कोड हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक कोड अब रन करेगा, परफेक्टली रन करेगा, लेकिन एवरी टाइम वो इंदर कोई इंदर का ही डेटा लेगा। तो अब कोडिंग में यहाँ जहाँ जहाँ इंदर है वहाँ वहाँ मैं चेंज करके इसका यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत में बोला था कि जब मैं माइक्रो रन करूँ तो मुझसे पूछे कि किसका चाहिए। तो यहाँ पे एक कोड और करना है, जैसे मैथमेटिक में एक्स वाई जेड लेते हैं ना, इसे यहाँ पे हमने लिया एन, एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे दे दिया मैंने एंटर। एक कोड होता है इनपुट बॉक्स का, आगे मैं बताऊंगा इसको, मैं समझा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या होगा। और जहां जहां इंदर है वहां वहां हम एन को लेते हैं, जैसे मैथमेटिक में होता है एक्स इक्वल टू 100, और जहां जहां 100 की जरूरत है वहां एन ले लेते हैं। यहां पे मुझे थोड़ा सा कॉन्केट करना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टर कॉमा के अंदर में डाल दिया तो वो एन नाम का ही फाइल बनाएगा। अब परफेक्टली हो गया, अब जिसका बोलूंगा उसी का फाइल जनरेट करेगा। चलिए एक एक का ये ले लेते हैं ट्रायल, मैं इस पे T2 का फाइल चाहता हूं, हमने इनपुट बॉक्स का कोड डाला, यहां पे आ गया T2। माइक्रोफोन एक्टिवेट करते हैं, हो गया। अब आ जाके देखिए माय डॉक्यूमेंट में इसने T2 नाम का फाइल बना दिया, क्लियर है सर? ओके सर।
भी रन करें, मैक्रो भी रन करें। क्या ना, मैंने रन करके बनाया ना सर, नहीं देखा आपने टीटू का फाइल? वॉइस ब्रेक कर रहा है सर। क्लास ले रहे हैं ना जी? क्लास क्या बोल रहे हैं सर? हेलो इंदर जी। हाँ सर, मैं कह रहा था इसे एक्टिवेट कर रहा है माइक्रोफोन का, रन करके देखें। हाँ देखा ना सर, हमने भी टीटू देखा ना सर, टीटू को है ना फिर बना के इधर रन किया आपके सामने, देखिए आ गया टीटू का डेटा। नहीं अभी विजुअल क्लियर नहीं आ रहा। हाँ अभी आ रहा है। वो आपका इंटरनेट लग रहा स्लो हो गया सर। देखिए मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मैक्रो रन करने का तरीका जी सर, इसके बारे में जान लेते हैं एक बार, ठीक है। मैक्रो को रन करने के लिए दो चीजें, दो तीन चीजें होती है। पहला होता है मैक्रोज में जाके यहाँ से रन कर सकते हैं, दूसरा होता है ऑप्शन में आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूंगा तो मैक्रो फोर रन हो जाएगा, या फिर यहां डेवलपर में ही आपका डेवलपर में इंसर्ट होता है, इंसर्ट में फॉर्म कंट्रोल, एक्टिवेस कंट्रोल मत लीजिएगा, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल को सिलेक्ट कीजिए। अब यहां पे मैक्रो फोर असाइन कर दीजिए, यहां पे जो लिखना है लिख दीजिए, गेट डेटा या जो भी लिखना चाहते हैं। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा मैक्रो रन हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा कोई स्टाइलिश फॉर्म हो तो शेप्स वगैरह भी यहां बना सकते हैं, उसकी फॉर्मेट कर सकते हैं, या कोई पिक्चर वगैरह भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम कैसे माइक्रोफोन को असाइन करें, तो इसके लिए आपको जस्ट राइट क्लिक करना है असाइन माइक्रो, और यहां पे माइक्रोफोन को सिलेक्ट करके ओके कर देना, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा माइक्रोफोन रन होगा। यहां पे इनपुट बॉक्स आया नेम डालने का, मैंने यहां पे नेम डाल दिया टीना का, देन ओके। अब आप जाके देखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में वहां पे टीना का फाइल जनरेट हो गया। समझ में आया सर? चंद्रशेखर जी सर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब कहने का मतलब यह है कि अब आपका काम क्या है कि आप इसी तरह के कुछ रिकॉर्डिंग माइक्रो, 8-10 रिकॉर्डिंग माइक्रो बनाए, उसके कोड को पढ़ने की कोशिश करें, समझे? इंग्लिश लैंग्वेज है, समझ में आएगा ना कि रेंज A1.select, इसका मतलब समझ, सिंपल समझ में आ रहा है कि A1 पे कर्सर लेके जा रहा है जी सर। यहाँ पे ऑटो फिल्टर अप्लाई कर रहा है, फिल्टर फिल्ट 5। अब फिल्ट 5 समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि हमने जो लगाया है वो 5वें नंबर पे, इससे फिल्ट 5 हो गया। क्राइटेरिया समझ में आ ही गया, ये आपका सिलेक्शन कर रहा है या आपका कॉपी कर, ओके सर। क्या तो आप ऐसे ही आप अपने छोटे छोटे काम, बड़े बड़े काम मत लीजिएगा सर, छोटे छोटे काम को रिकॉर्डिंग मैक्रो से करें, उसकी कोड को समझे, लगता है कि एक कोड यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो उसको डिलीट करके चेक करें कि डिलीट करने से हमारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके सर, ओके सर, इसको कीजिए।